दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, जहां पर यती नरसिम्हानंद ने कर दिया है पैगंबर की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी। सबसे पहले इस जाहिल की गुस्ताखी को आप लोग देखें। आप लोग, मैं वीडियो लगाने जा रहा हूं, आप लोग देखें कि यती नरसिम्हानंद जो जाहिल हमेशा पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है, कितनी बड़ी गुस्ताखी किया है। दोस्तों भड़क उठे हैं मुस्लिम, वीडियो देखें। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के पास में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, केवल मोहम्मद के मानने वालों को 1.5 दिन लगा, वो हमारे बांग्लादेश में 16 लाख बहन भाइयों को खा गए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उन्हें बहन भाई ना मानते हो, लेकिन नरसिम्हानंद जिसने अपना पूरा जीवन आपसे, हिंदुओं से भीख मांगकर खाने में लगाया, वो नरसिम्हानंद अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, वो मेरा भाई है। आलोचना की जाए, इस वीडियो की कम है, इसके बयान की कम है, और मैं कोटि कोटि निंदा करता हूं। और दोस्तों इस इंसान की मैं कायदे से खिंचाई करने जा रहा हूं, और इस यती नरसिम्हानंद के ऊपर एक ऐसी वीडियो में डालने जा रहा हूं अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है इंसाफ खबर। दोस्तों इंसाफ खबर पर मैं यती नरसिम्हानंद का पूरा भंडाफोड़ करने जा रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे नए YouTube चैनल इंसाफ खबर को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप अपने YouTube में जाएं, @ इंसाफ खबर लिखें, मेरा चैनल ऊपर में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और इस वीडियो के लिंक में भी मैं अपने चैनल का लिंक दे दूँगा इंसाफ खबर का दोस्तों, वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यती नरसिम्हानंद की जो दुर्गति आने वाले दिनों में होने जा रही है उसका पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, इंसाफ खबर को आप सपोर्ट करें, क्योंकि गरीबों की और इस तरीके के नाइंसाफी की आवाज़ को इंसाफ खबर से बुलंद किया जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं यती नरसिम्हानंद। ये वही शैतान शख्स है, जब भी मुँह खोलता है गलाजत उगलता है। ये वही शख्स है, जब भी मुँह खोलता है लोगों में दरारें पैदा कर देता है। ये वही शख्स है दोस्तों, जब भी मुंह खोलता है जहर उगलता है, और इसी जहर उगलने की वजह से ये कई बार जेल की यात्रा भी कर चुका है, लेकिन लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। और कई बार जेल जाने के बावजूद यती नरसिम्हानंद अभी भी सुधरा नहीं है दोस्तों, और अब तो सारी हदों को पार कर दिया है। अब इसने ऐसी बात कह दिया है दोस्तों, जिसको बोलते हुए लग रहा है कि मेरी जुबान कट जाएगी, ऐसी तरीके की बात इसने किया है। माजअल्लाह इतनी बड़ी गुस्ताखी किया है कि मुसलमानों का सीना चाक हो गया है। क्या कहा जाए, जितनी भी लानतें यती नरसिम्हानंद के ऊपर भेजा जाए वो भी कम पड़ जाएगा। दोस्तों दशहरा के ऊपर ये बयानबाजी कर रहा था, और उस दशहरा में भी इसको इस्लाम धर्म और पैगंबरे इस्लाम के ऊपर इसने टिप्पणी किया, और अब की जो टिप्पणी किया है इतनी गलाजत भरी टिप्पणी किया है इस शैतान ने, इस सुअर ने जितनी बड़ी गुस्ताखी किया है दोस्तों, कि अब तक जो भी बात कही है उन तमाम बातों से एक हाथ और आगे निकलकर इसने गलाजत उगला है दोस्तों। क्योंकि जो सुअर होते हैं वो मैला खाने से बाज नहीं आते हैं, वो आप देखेंगे कि जो भी मिल जाएगा मैला कुचेला सब खा जाते हैं, सब पार कर देते हैं। इसी तरीके से सुअर की प्रवृत्ति आ गई है इस इंसान के ऊपर, और इसने तमाम हदों को पार कर दिया है। यती नरसिम्हानंद ने दोस्तों जिस तरीके का बयान दिया है, जिस तरीके का नफरती बयान दिया है, आने वाले दिनों में और हंगामा चालू हो गया है, देश में ही नहीं बल्कि बाहर में भी दोस्तों इसकी आलोचना की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपका बुलडोजर इस जैसे शैतान के ऊपर क्यों नहीं चलता है, आखिर आपका बुलडोजर ऐसे नफरत फैलाने वाले इंसान के ऊपर क्यों नहीं चलता है, आखिर आपके बुलडोजर
उधर का हवा क्यों इस शैतान के ऊपर चलने से रुक जाता है? आखिर आपके बुलडोजर का दहशत इसके ऊपर क्यों नहीं है? क्या इसको कोई संरक्षण हासिल है? क्या इसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? पूरी दुनिया आज पूछ रही है योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि ये इंसान गाजियाबाद में रहने वाला है और गाजियाबाद के अंदर दोस्तों, हालांकि मैं ये जानकारी दे दूं, सोशल मीडिया के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रहा है कि इसने जो बदतमीजी की है, इसने जो गलाजत किया है, उसके बाद इसके ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि FIR दर्ज होने के बावजूद भी ये मानता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों धर्म संसद के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगला था और जहर उगलने की वजह से ये जेल भी गया, लेकिन जेल जाने की बात भी दोस्तों ये सुधर नहीं रहा है, क्योंकि ये पेशेवर गुंडा हो गया है, ये पेशेवर मुजरिम हो गया है, जो अब लगातार सुधारने की कोशिश किया जा रहा है लेकिन ये सुधरता नहीं है। और अब तो पैगंबर इस्लाम की शान में जो बातें कही हैं दोस्तों, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसकी बातों को आपने इसी के जबानी सुना है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं दोस्तों, आप खुद कमेंट करके बताएं कि इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, इस गुस्ताख को क्या सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों? क्या ये इंसान खुले आसमान के नीचे रहने का लायक है? क्या ये इंसान समाज में रहने के लायक है? क्या ये सब समाज में इस तरीके की बात करना चाहिए क्या दोस्तों? आप अपने राय कमेंट के जरिए हमें बताएं, क्या बताएं कि इस तरीके का सोच रखने वाला क्या नॉर्मल इंसान हो सकता है? क्या ये जहरीला इंसान नहीं है? क्योंकि दोस्तों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों कलेजा छलनी हो रहा है, जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचा दिया, आप भी आवाज़ उठाएं ताकि सरकार जागेगी और इसको जगाएगी, क्योंकि ये लात का भूत है, बात से ये मानने वाला नहीं है और इस इंसान के लिए खुला आसमान सही नहीं है, ये जेल में ही ठीक रहेगा, क्योंकि खुले आसमान में रहने के लिए आपको खुला दिल होना चाहिए, खुले आसमान में रहने के लिए आपके विचार खुले होने चाहिए, लेकिन इसके विचार कुंठित विचार है, इसके विचार कोढ़ी विचार है और कोढ़ी मगज है, ये कोढ़ मगज है ये, तो ये बाहर में रहेगा और नफरत फैलाएगा। अच्छा है ये जेल के अंदर ही रहे दोस्तों, मुसलमानों के अंदर भयंकर गुस्सा देखा जा रहा है, जगह जगह से इसकी बात की आलोचना की जा रही है और ये अब शैतान अब न जाने किस गुफा में जाकर छुपेगा दोस्तों, लेकिन मुसलमान भड़क उठे हैं और ऐसा बयानबाजी किसी भी धर्म के ऊपर होगा दोस्तों वो गलत है, चाहे सनातन धर्म के ऊपर हो, चाहे कोई भी दुनिया का धर्म हो, हर धर्म का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, उसके धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये इंसान किसी का सम्मान नहीं करता है। ऐसे जाहिल, ऐसे शैतान के लिए जेल ही सबसे उचित जगह है दोस्तों। आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएँ। शुक्रिया, आदाब।